और जो थोड़ा बहुत गिला सिकवा है ना हमारे भोजपुरी को लेके दूसरे लैंग्वेज में या कहीं चर्चा होता है कि ये है वो है दिस इज दैट है, तो ये हमारा सोच और ये हमारा प्रयास जरूर है और रहेगा कि हमारी भोजपुरी को लोग सम्मान की नजर से देखें और सम्मान की नजर से सुने, इसके लिए हम मेहनत करेंगे। और ये मेरा भाई जो मोहब्बत का बेचाता तू ही हम करने वाले थे लाल भगड़ा की जगह, लेकिन भाई ने बोला या हम भी एक सलाह दी कि भाई थोड़ा रोना धोना कम करते तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा फनी मूड का गाना लाए मार्केट में और हमारे ऑडियंस इस गाने को एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। थैंक यू मेरा भाई। और मोहब्बत अब भी जाता पार्ट टू भी बहुत जल्दी आप सब आप सभी को देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री ने मतलब काफी डेवलपमेंट किया, पहले डॉक्टर भिखारी ठाकुर से सुनते थे अभी तक उस मतलब रेगुलरली प्रोग्रेस में, लेकिन जो दुनिया की संवाद हम लोग गाने गाते हैं आपके गाने तो बहुत ही कंट्रीय भी है लोकप्रिय भी है और आप गाने ऐसे भी गाते हैं जिसको सुनने में बहुत अच्छा लगे। साइलेंस प्लीज। मैं आपसे ये पहले तो चिड़िया की तरफ से मैं ये थोड़ा सा आपसे और शिल्पी जी से कुछ सुनना भी हम चाहेंगे कि आप अपनी आवाज में हमें कुछ सुनाइए। और दूसरा सवाल इसके साथ ये रहेगा कि जो द्विजातीय संवाद में हम लोग गाने गाते हैं इसमें कब तक हम लोग याद रहेंगे? ठीक है ये तो बोलेंगे, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि भोजपुरी ठीक है, मैं बिहार और यूपी बिहार की बात करता हूँ तो मैं मिथिला से आता हूँ ठीक है, और मिथिला में तो हम लोगों ने श्री राम जी को भी गाली सुनाया है जब द्वार शिकारी हुआ, तो ये तो संस्कार में हम लोगों ने तो मतलब ये जो एक जब पहले जमाने में ये छेका और रोका और ये नहीं होता था तो हम लोग एक लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, मतलब एक मजाक का एक लहजा होता था जिससे एक रस आता था, तो आप जो कह रहे हैं उस रस को खत्म कर दिया जाए तो फिर एक एक श्रृंगार रस होता है, गारी रस होता है, ये तो पार्ट ऑफ सोसाइटी है, हम उसको टोन डाउन करेंगे जो हम कर रहे हैं। अगर आप सारे काम हम भोजपुरी को देखेंगे तो देखेंगे किस तरीके से हम लोगों ने लिमिट किया है उस चीजों को और कितने अच्छे, अब पता नहीं आपने लाल धारा देखा है।